कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लक्ष्य को और दृढ़ बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। इसी सोच के तहत देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए नए नए संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। इसी दिशा में ICMR क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर एक मिसाल है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र का नया भवन इलाके में मलेरिया, टीबी, HIV, कैंसर और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों के अनुसंधान के नए क्षितिज खोलेगा। ये संस्थान नए और उभरते संक्रमणों, पोषण संबंधी समस्या और इसके अलावा मधुमेह, हाई BP, हृदय रोग जैसे रोगों को दूर करेगा। इस संस्थान के द्वारा क्षेत्रीय आबादी को अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटी का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें रोगों की जांच के लिए सैंपल बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और जांच के परिणाम भी समय से मिलेंगे। ये संस्थान क्षेत्रीय बीमारियों के नए इलाज तथा जांच के तरीकों की खोज करेगा, जिससे रोगों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के साथ साथ अंतर विभागीय सहयोग और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस भवन का रिकॉर्ड गति से निर्माण किया गया है, जिससे कि क्षेत्र के लोग जल्द से जल्द इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।